एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक दोनों एक पेमेंट्स बैंक है और दोनों के बीच जो है कनेक्शन दिख रहा है, यानी कि दोनों आपस में मर्ज हो रहे हैं। मर्ज होने से सबसे पहली बात कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक का जो केवाईसी बैंड प्रोसेस है, यानी कि आरबीआई ने जो पेटीएम के ऊपर केवाईसी बैंड लगा रखा है, वो नए कस्टमर ऐड नहीं कर सकते हैं। ये 2 साल से ज़्यादा हो गया पेटीएम जो है अपने केवाईसी नहीं कर सकता, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। लेकिन ऑफलाइन प्रोसेस में कई जगह पेटीएम के कई बड़े बड़े सिटीज़ में केवाईसी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ मर्ज हो जाने पर पेटीएम और एयरटेल को दोनों को ही आपस में जो ट्रांजेक्शन होती हैं उनमें तो फ़ायदा होगा ही होगा, या दोनों के जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होते हैं या पेमेंट्स होते हैं उन दोनों का फ़ायदा होगा। लेकिन पेटीएम को इससे, इन दोनों मर्ज होने में एयरटेल के साथ सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि उनके साथ कनेक्शन होने के बाद ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक का केवाईसी अनबैंड हो जाएगा, उसके बाद पेटीएम जो है किसी भी कस्टमर को ऐड करेंगे। तो ऐसे में अगर दोनों में कनेक्शन हो जाता है तो पेटीएम का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। और देखिए, इससे आम लोगों को क्या फ़ायदा है कि जो पेटीएम यूज़ करते हैं या पहले से ही कर रहे हैं, तो उनको एयरटेल और पेटीएम में काफ़ी अच्छे ऑफर्स हो सकते हैं, या दोनों में थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस की तरह जिस तरह अलग आपको डेबिट कार्ड या यूपीआई के जरिए पेमेंट करना पड़ता है, तो उसमें आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिलेगा कि आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक से पेमेंट कर सकते हैं या पेटीएम पेमेंट्स बैंक से, या पेटीएम का ऑप्शन आपको ऐड कर दिया जाएगा। अब तो ये रही बात कि कब लॉन्च होगी, जो एयरटेल और पेटीएम ने इसे ऑफिशियली तो लॉन्च कर ही दिया है, लेकिन इसमें प्लेटफॉर्म पे आना अभी बाकी है। तो इसके लिए जो है पेटीएम और एयरटेल दोनों तरह के से काम करिए, हो सकता है इनका एक अलग एप्लीकेशंस भी आ सकता है, इन दोनों को कॉम्बिनेशंस के हो सकता है एक अलग एप्लीकेशंस आ जाए, लेकिन उम्मीद कम है। हो सकता है पेटीएम या एयरटेल पेमेंट्स बैंक पे ही इन दोनों में किसी में भी ये ऐड ऑप्शंस ऐड हो सकता है, लेकिन पेटीएम के यूज़र्स भी काफ़ी ज़्यादा है और एयरटेल के भी यूज़र्स, और पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है बैंकिंग पॉइंट काफ़ी कम है, लेकिन एयरटेल पेमेंट्स बैंक के आपको जगह जगह स्टोर देखने को मिल जाएंगे, जहां पर एयरटेल पेमेंट्स बैंक का स्टोर जगह जगह है, यानी कि इंडिया में बहुत जगह एयरटेल पेमेंट्स बैंक के स्टोर है। तो ऐसे में पेटीएम का ऑफलाइन केवाईसी भी जो स्टार्ट होगा या ऑनलाइन केवाईसी, वो एयरटेल स्टोर से ही हो सकता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में अगर दोनों आपस में मर्ज हो जाते तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो कस्टमर को ही होगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब मिलते हैं किसी अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।